आपने मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। जोहार नमस्कार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3.0 का कार्यकाल शुरू हो गया और आज हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री ने सदन का विश्वास मत हासिल कर लिया। उन्होंने अपना बहुमत विधानसभा के अंदर सिद्ध कर दिया कि उन्हें सदन में बहुमत हासिल है। ऐसे तो ये बहुत सहज सी बात थी, कोई दिक्कत की बात कहीं थी नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि झारखंड की विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, जिसमें से कि वर्तमान में सिर्फ 76 विधायक है, 76 MLA हैं, और इसमें उन्हें सिर्फ 39 का आंकड़ा पार करना था। मगर जब उन्होंने झारखंड के राज्यपाल महामहिम CP राधाकृष्णन को अपना विश्वास मत हासिल करने से संबंधित विधायकों का समर्थन वाला लिस्ट दिया था, तो उसमें 45 नाम थे, और ये 45 नाम स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन करेंगे, इसकी जो है सारे विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी। मगर फिर भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उन्हें सदन का विश्वास मत हासिल करना था। उन्होंने सदन का विश्वास 45 के सामने शून्य मतों से हासिल किया। जी हाँ, विपक्ष ने सीधे वॉकआउट कर गया, और वॉकआउट करते भी क्यों नहीं, उनके पास वो संख्या ही नहीं थी। और आगे जब हेमंत सोरेन ने अपना वक्तव्य दिया मीडिया के सामने, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जितने विपक्ष में विधायक हैं उनके आधे भी आसपास आ जाएं तो बड़ी बात होगी। आइए पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से शुरू से देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकार आया था 23 नवंबर 2019 को। उसके बाद सरकार का शपथ ग्रहण के पश्चात ये सरकार चल रही थी अपनी गति से। इसी बीच में अवैध खनन से जुड़े हुए घोटाले का आरोप लगा, और उसके बाद सेना की जमीन को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगा, और उसी के संबंध में ED की जांच बढ़ी। जांच के दायरे में मुख्यमंत्री आए। मुख्यमंत्री को ED ने समन किया कई बार। कुछ एक बार मुख्यमंत्री ED कार्यालय में जा करके सवालों का सामना किए। उसके बाद उन्होंने समन का जवाब जो है वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से देना शुरू किया। वो ED के बुलावे पर नहीं जा रहे थे। अंत में ED उनके आवास में जा कर के उनसे पूछताछ करती है। ये सिलसिला चला, और उसके बाद में 31 जनवरी 2024 को, जी हाँ इसी साल, उन्हें ED ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी की अवधि में ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, और सत्तारूढ़ गठबंधन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया। चंपई सोरेन ने जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करके अपना विधायकों के समर्थन वाला सूची उन्हें उपलब्ध कराया। उसके बाद में उन्होंने विश्वास मत हासिल किया। चंपई सोरेन की सरकार चल रही थी। इसी बीच में 28 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिल जाती है बेल, और उसके बाद फिर चंपई सोरेन के इस्तीफा 3 जुलाई को देने के बाद एक दिन बाद 4 जुलाई को मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करते हैं। राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बनते हैं, और हेमंत सोरेन का एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये तीसरा कार्यकाल शुरू होता है। अब उन्हें अपना सदन में विश्वास मत हासिल करना था, जिसे कि आज 8 जुलाई 2024 को उन्होंने सदन में अपना विश्वास मत हासिल कर दिया। इस दौरान में चर्चाएं चलती रही, काफ़ी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने उन्हें सहायक पुलिस के मुद्दे पर भी घेरने का प्रयास किया। सहायक पुलिस, हालांकि जब यही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व में थी, हेमंत सोरेन के पहले रघुवर दास की, तो उसी समय ये अस्थायी रूप से एक पुलिस के बल का एक प्रबंध किया गया था, और महज 2 साल के लिए ये नियुक्ति की गई थी। हालांकि सरकार में बैठे लोगों का ये मानना था कि ये कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जो कि स्थायी समाधान है, मगर फिलहाल राजनीतिक चुनाव के मद्देनज़र इस तरह के इंतजाम किए गए थे। सहायक पुलिस एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। ना तो इन्हें अस्थायी किया जा रहा है, ना इनका वेतनमान बढ़ाया जा रहा है, इनके भत्ताएं बढ़ाई जा रही हैं। उसके पीछे का एक टेक्निकल पॉइंट है कि इन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है। बहुत छोटे से 2 महीने के प्रशिक्षण से ये सारे के सारे पुलिस बल का काम कर रहे हैं। ना तो इन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण मिला है, ना ही इनसे काम लेने के लिए कोई विशेष सर्कुलर है। थाना में वर्कलोड होता है तो इन्हें काम दे दिया जाता है, और इनका वेतनमान का भी था कि इन्हें 10,000 मिलता रहेगा और इन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, ना ये अस्थाई होने का दावा करेंगे। इस तरह का बॉन्ड पेपर पे इनसे साइन लिया गया था। सरकार में बैठे लोगों को हो सकता है मानना रहा होगा कि भाई ये लोग 2 साल नौकरी करते हुए कोई और परीक्षा पास कर जाएंगे, मगर
नौकरी का अवसर मिले और वो भी सरकारी विभाग में, तो भला आदमी निश्चिंत नहीं होगा तो क्या होगा। तो वही हुआ है, जो सहायक पुलिस हैं इन्होंने अपनी गृहस्थी ही बसा डाली थी 10,000 के नौकरी में। और अब आप मुराबादी की तरफ में अगर जाएंगे तो आप पाएंगे कि भाई माथे पे छोटी सी सिंदूर, छोटी सी बिंदी और गोद में छोटा सा बच्चा। जी हाँ, घर गृहस्थी बचा ले, छोटे छोटे बच्चे हो गए इसी 10,000 की नौकरी में। और अब अपने हक अधिकार के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब इनका जो हक अधिकार है उस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्या इनके साथ न्याय होता है, जो कुछ भी होगा वो सब हम आगे के समय में देखेंगे। वापस आते अपने मुख्य मुद्दे पर, हेमंत सोरेन ने जब सदन में चर्चा चल रही थी तो उसका जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के पास न तो संख्या है, न ही इनके पास में कोई अच्छा विचार है, न इनके पीछे में जनता है। खड़े हैं वो लोकसभा चुनाव में उजागर हो चुके हैं, जहाँ की गठबंधन महागठबंधन ने इन्हें करारी शिकस्त दी। कुछ लोकसभा क्षेत्रों में सारे के सारे जो ट्राइबल सीट हैं वो महागठबंधन ने चुनाव में जीते। अब जब इनके पास कुछ नहीं है तो इनके पास केंद्रीय एजेंसियां हैं, जिससे कि ये अपने विरोधियों को दबाने का, डराने का कोशिष करते हैं। मगर इनकी ये षड्यंत्र, ये राजनीति नहीं चलने वाली है। हेमंत सोरेन ने अपने बारे में कहा कि मैं वैधानिक प्रक्रिया के तहत आया हूं। उन्होंने पूछा विपक्ष से कि मुझे इस प्रकार वापस देख करके कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये करारी शिकस्त देंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को। काफ़ी हंगामेदार रहा। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने गिनती के द्वारा सारे के सारे पक्ष और विपक्ष की गिनती करवाई और इसी पर सदन से जो विपक्षी हैं वो सारे के सारे वॉकआउट कर जाते हैं। 45 मत हेमंत सोरेन के पक्ष में आते हैं और इस प्रकार से हेमंत सोरेन विश्वास मत जीत लेते हैं। हालांकि बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, सरकार बन चुकी है मगर महज 2 से 2.25 महीने में सामने विधानसभा चुनाव का तलवार लटक रहा है। और साथ ही साथ कई सारे मुद्दे हैं जो जोर पकड़ गए हैं। राज्य में बिजली की घनघोर समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। इसी पर कटाक्ष करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जाते हैं जगन्नाथपुर मंदिर में पूजा करने के लिए, वहाँ पूजा करते और वहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर अपराधी इस कदर से बेखौफ हैं कि एक पूर्व पार्षद की हत्या कर दी जाती है। तो ये तो हालात हैं झारखंड के राजधानी में, जहां की राज्य का सबसे वीवीआईपी कार्यक्रम चल रहा, राज्य के सबसे वीवीआईपी लोग, खुद मुख्यमंत्री वहां पर और कई सत्तारूढ़ गठबंधन के कई सारे प्रशासनिक अधिकारी गणमान्य वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और वहीं से कुछ दूरी पर अपराधी बेखौफ होकर के हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो हेमंत सोरेन किस प्रकार से इस लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, पुलिस पर कई तरह के आरोप लगते रहे, अपराधियों को संरक्षण देने से लेकर के लोगों की शिकायतें दर्ज नहीं करने की जो अफसर हैं यहाँ पर वो जनता से बिल्कुल कट गए हैं। यहाँ के कई सारे वीडियोज वायरल हुए जिसमें कि देखा गया कि जनता के हितों को देखने के बजाय अफसर जो है सिर्फ अपनी जेब भरने पर पूरी तरह से मन को केंद्रित कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को महज 2 से 2.25 महीने में कुछ ऐसा कर दिखाना होगा जिससे कि उन्हें जनता का विश्वास मजबूती से हासिल हो, सत्ता में वो जिस तरह से चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले पूर्ण बहुमत से सरकार बना के वापसी करे। क्या ये हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, इन सारे बातों का जवाब सिर्फ और सिर्फ झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढूंढना पड़ेगा। क्या कुछ करेंगे इस पर नजरें बनी हुई है। और ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो और आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची। सस्ता नहीं रहता, वही कामे में लोग लगा रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी, बढ़िया से पोडियम लगा देते ताकि प्रेस के लोग खड़े होते, नेता को जो भी अपनी बात कहना होता वो कह सकते थे। आज नहीं, सवाल एक दिन का नहीं, एक दिन आज तो नहीं तय किया, 5 तारीख को ही तय कर दिया था कि भाई 8 तारीख को विश्वास मत खराब करेंगे, हाउस बुला रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, कल मुख्यमंत्री जी जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा कर रहे थे, विधानसभा का सत्र आहूत था और 500 मीटर के दायरे में दिन दहाड़े एक पार्षद को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े गोली मार दी गई, बगल में गोली मार करके दुकान लूट लिया, कुछ दिन पहले दुकानें लूट ली गई, पूरे झारखंड में एकदम से अराजकता है।